आज जानते हैं सिल्वर स्टिक के बारे में। सिल्वर स्टिक क्या होता है, उसके फॉल्ट क्या हैं, फॉल्ट मतलब क्या कॉजेज हैं, क्या रेमडीज हैं। तो ये हमारा जैसे कोई कंपोनेंट हम बना रहे हैं, तो कंपोनेंट बनाते समय जब कभी कभी हमारे मटेरियल में मॉइस्चर अवेलेबल होता है या एयर एयर की वजह से हमारे कंपोनेंट में कुछ वाइट कलर की लाइनें आ जाती हैं। गेट के पास कुछ वाइट कलर की लाइनें आ जाती हैं, जिसको हम सिल्वर स्टिक बोलते हैं। तो जब कोई हम कोई प्रोडक्ट इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाते हैं, तो कभी कभी यह फॉल्ट हमारे प्रोडक्ट में आता है। तो इस फॉल्ट के बारे में जानते हैं। हमारे हमारे गेट पॉइंट के पास गेट पॉइंट के पास वाइट कलर की कुछ लाइनें बन जाती हैं। जिसे हम सिल्वर स्टिक कहते हैं। जिसे हम सिल्वर स्टिक कहते हैं स्ट्रिक कहते हैं। अब ये जानते हैं कि ये फॉल्ट आता कैसे है। मतलब मेनली हमारा जो ये फॉल्ट आता है, काजेज देखते हैं, इसके काजेज देखेंगे। तो इसमें जो पहला होता है हमारा मॉइस्चर की वजह से, हमारा ये फॉल्ट आता है ज़्यादातर। अगर हमारे मटेरियल में मॉइस्चर अवेलेबल है तो यह फॉल्ट आ जाएगा। तो लिखते हैं, लिख के बताता हूँ कि अगर हमारे मटेरियल में मॉइस्चर अवेलेबल है तो यह फॉल्ट आता है। इस फॉल्ट को दूर करने के लिए रिमडीज, इसको मतलब हमें अगर इस फॉल्ट को दूर करना है तो मतलब हमें जो हमारा मटेरियल है उसको ड्राई करके, मतलब सुखा करके, या मतलब मॉइस्चर फ्री बना करके, या हॉपर ड्रायर से मतलब सुखा करके तब मटेरियल का हम प्रयोग करेंगे। तब अगर हमें इससे बचना है सिल्वर स्टिक से, तो हम मतलब नमी युक्त मटेरियल का प्रयोग नहीं करेंगे। मॉइस्चर को रिमूव करके हम मटेरियल का प्रयोग करेंगे। रिमडीज में मटेरियल को प्री ड्राई करके यूज करेंगे। अब दूसरा देखते हैं, एयर की वजह से हमारे कंपोनेंट में फॉल्ट, एयर की वजह से। तो एयर की वजह से कैसे आता है, जब हमारा मतलब प्लास्टिसाइज होता रहता है मटेरियल, जैसे हमारा स्क्रू रोटेट करता है, तो उसमें कुछ गैस जनरेट होती है। तो गैस अगर हमारा जब नहीं निकलता, तब हमारा ये फॉल्ट आ जाता है। जैसे हमारा प्लास्टिसाइज हो रहा है, उसमें बैरल में हमारा मटेरियल प्लास्टिसाइज हो रहा है, उस समय कुछ मटेरियल के अंदर से कुछ गैसेस जनरेट होती हैं। अगर वो गैस से नहीं रिमूव होंगी, इस्केप नहीं होंगी, तो हमारा जो इसमें है प्रोडक्ट में सिल्वर स्टिक आएगा। तो लिख के बता, ड्यूरिंग द प्रोसेस कुछ गैसें मटेरियल से निकलती हैं, जिसके कारण जिससे
हमारे निकलती हैं। जब वो मटेरियल से हमारी गैसें निकलेंगी, तो अगर वो मटेरियल से रिमूव, मतलब अगर बैरल से नहीं रिमूव हो पा रही है, तब हमारे प्रोडक्ट में ये फॉल्ट आएगा, जिससे हमारे प्रोडक्ट में ये फॉल्ट आता है। आता है इस फॉल्ट को रोकने के लिए जैसे हम फॉल्ट रिमेडी देख लेते हैं कुछ। जैसे पहला, जो हमारा मेल्ट टेम्परेचर है उसको, मेल्ट टेम्परेचर को कम कर देंगे, टेम्परेचर को कम कम कर देंगे। जो हमारी स्क्रू की स्पीड है उसको घटा देंगे, स्क्रू स्पीड डिक्रीज, स्क्रू स्पीड स्पीड। और फिर कुछ मतलब है, जैसे हमारे उस का जैसे गेट पॉइंट हमारा जो है, गेट से जो हमारे यहाँ से मटेरियल हमारा इंसर्ट कर रहा है मोल्ड में, अगर वहाँ पे उसकी जो डायमीटर है वो कम है, तब भी हमारे प्रोडक्ट में सिल्वर स्टिक आता है। तो इनलार्ज द डायमीटर ऑफ द मोल्ड, मोल्ड फीड सिस्टम, इनलार्ज द स्प्रू रनर एंड गेट, इनलार्ज द स्प्रू रनर एंड गेट। ये हमारा तीसरा फॉल्ट है। ये हमारा था सिल्वर स्टिक, आज हमने इसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम दूसरे फॉल्ट के बारे में जानेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के।